Hello guys, I am Jasdeep Kamra, director of Pulse IAS Academy, Jammu, J&K. So guys, hope you are all fine and in the pink of health. And the purpose of making today's video is I want to discuss a very important topic with you guys. The name of that topic is IAS is easy. मैं इस वीडियो के ज़रिए ये आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये टॉपिक मैं आज जिस पे वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक है कि IAS इज़ ईज़ी। तो आप लोगों को ये बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि IAS तो सबसे टफ़ एग्ज़ाम है हमारे कंट्री का और सर इसको ईज़ी बोल रहे हैं। तो जी हाँ, मैं इसको ईज़ी ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लॉजिकली आपको बताऊँगा कि ये ईज़ी क्यों है। राइट, मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा। कोई 10-15 मिनट का, ये 15 मिनट का भी ये वीडियो चलेगा, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुनिए कि ये IAS को मैं इजी कैसे कह रहा हूँ। राइट सर, सो ऐसा है कि IAS दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और डिफरेंट और भी सर्विसेज आती हैं जिसके अंदर इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है ना, तो डिफरेंट सर्विसेज जो 21-22 सर्विसेज हैं UPSC के इस एग्ज़ाम में जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन एवरी ईयर। इस एग्ज़ाम के अंदर बड़ी सारी सर्विसेज 20-22 सर्विसेज हैं, IAS, IPS, IRS एक्सेट्रा। जिन लोगों का टॉप रैंक आता है वो IAS मिल जाता है, सेकेंड नंबर पर IPS आता है और थर्ड नंबर पे IFS और IRS आता है। ठीक है, इसमें आपकी प्रेफरेंस भी मैटर करती है कि आप कौन सी सर्विस को प्रेफरेंस दे रहे हो, उसी हिसाब से आपका रैंक जो है आपको मिलता है। तो आपका सर्विस आपको अलॉट होती है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, एक तो आपका रैंक क्या है एग्ज़ाम में, दूसरा आपकी प्रेफरेंस क्या है। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके वो देखते हैं कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। तो IAS हमारे कंट्री की आपको पता ही है कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, IPS टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द पुलिस है, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, ये भी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। फॉरेन वाले फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व करते हैं, इंडियन एम्बेसीज में और हाई कमीशन्स में, फॉरेस्ट वाले कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे तक जाते हैं। तो इसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स और कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में आप लोगों की सर्विस लगती है। तो आपने देखा कि ये टॉप की सर्विसेज हैं सारी। ठीक है, तो सैलरीज भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, स्टडी लीव का प्रोविज़न होता है इन सर्विसेज के अंदर, बड़ी सारी आपको फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं जो अपनी जॉब छोड़ के इन सर्विसेज में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है कि IAS ईजी कैसे है। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीलिमिनरी से। IAS बेसिकली, मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम को शॉर्ट में IAS ही बोलते हैं हमारे कंट्री में, तो IAS ही बोलूँगा। IAS बेसिकली तीन स्टेजेस में कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, मेंस स्टेज जो है वो सब्जेक्टिव टाइप रहती है, यानी कि एसे टाइप क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर्स लिखने होते हैं, और लास्ट स्टेज इंटरव्यू स्टेज जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में दो पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज़ और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CSAT। CSAT जो है ये पासिंग मार्क्स का है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स का है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है जिसको हम शॉर्ट में अपने जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है इसमें आपको अपना मार्क्स लेने पड़ते हैं सो दैट आप क्वालिफाई हो जाओ। जितनी पोस्ट होती हैं हर साल उसमें से टॉप के लोग जो प्रीलिम्स में स्कोर करते हैं उसका मल्टीप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साल में 1000 पोस्ट हैं एडवर्टाइज होती है, ठीक है, तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो 13,000 लोग उन्होंने प्रीलिम्स में पास करना है। गॉट इट? सपोज़ करिए 1000 पोस्टें हैं एक साल में, तो मेंस के लिए उन्होंने 13,000 लोगों को पास करना है, यानी कि 13,000 लोग, 13 से 14,000 लोग जो है वो मेंस का टेस्ट देंगे।
यानी प्रीलिम्सनरी जितने भी लोग देंगे, और वो कितने देते हैं, वो कोई 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 3 लाख अपीयर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ। 3 लाख में से 13 हज़ार लोग जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, 3 लाख में से 13 हज़ार लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टफ है, और 13 हज़ार में से 1,000 लोग फाइनली पर्सनैलिटी टेस्ट पास करके जो है वो सिलेक्ट होएंगे IAS के लिए, और 1,000 में से भी पहले 100 ही IAS बनेंगे, और बाकी के फिर IPS फिर IRS, ठीक है, इस तरह से। तो 3 लाख में से 13 हज़ार लोग पास हुए, तो ये टफ हो गया। तो हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि इसको इजी कैसे रखना है। बेसिकली दूसरे जब दूर से हम कोई चीज़ को देखते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है हमें, लेकिन जब धीरे धीरे हम निटी ग्रिटीज देखते हैं, उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं जितनी कि लगती है। हम जब सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, हमें पता चलता है कि कौन सी सेगमेंट्स पिछले 3 सालों में या 4 सालों में या 5 सालों में ज़्यादा आ रही है, और कौन सी सेगमेंट कम आ रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे 10 सेगमेंट्स हैं तो 10 में से 6 कौन सी हैं जो ज़्यादातर आ रही हैं, और 4 कौन सी हैं जिसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं प्रीलिम्स में। ये मैं बात प्रीलिम्स की कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा कि वो कौन सी 6 सेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो हमने नटशेल आज की वीडियो में ये देखना है कि स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस जहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं प्रीलिम्स में, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस, राइट। सो नेचुरली हमें इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस, राइट। तो कुछ लोग जैसे साइंस ही पढ़ते रहते हैं, तो साइंस में इतने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपको मिलेंगे नहीं जितने के इकोनॉमी में मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमी एक और अच्छी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करंट में हम काफ़ी लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन करंट में कभी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो ये डाइसी है करंट। तो करंट में लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो करंट को भी मैं इतना ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करूँगा जितना कि इकोनॉमी, पॉलिटी और बाकी जो मैंने नाम लिए उनके, ठीक है। तो इस तरह से अपने जनरल स्टडीज़ को प्रिपेयर करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने कुछ ऐसी सेक्शंस को नेगलेक्ट किया जो कि पेपर में कम आती, राइट। ये तो होगी बात जनरल स्टडीज़ की। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें अगर हम, तो वो पासिंग मार्क्स का है, उसमें हमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं। वो इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जा सकती है, अपना हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनके एडिटोरियल्स पढ़ पढ़ के 3-4 महीने आप जब रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एक फ़्लो बन जाएगा इंग्लिश रीडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का, और आपको इंग्लिश पैसेजेस सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बेसिक मैथमेटिक्स आता है 9th-10th लेवल का, और बेसिक रीजनिंग आती है, वो भी आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हो प्रैक्टिस की साथ, ठीक है। तो एक अच्छा देखो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है प्रीलिम्स में, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है ना, स्पीड के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। तो आपको मार्केट से ऐसे सैम्पल शीट्स मिल जाएंगी जैसे जिसमें 1-2 ओवल्स को फिल करना होता है, वैसे शीट्स के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जब पेपर को आने में 2 महीने रह जाएं, और खूब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपना एम रख लीजिए 5,000 ऑब्जेक्टिव्स आपने सॉल्व करने हैं प्रीलिम से पहले, और वो 5,000 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन सारे टॉपिक्स की अच्छे से हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो थ्रू हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी नहीं, ठीक है। अगर कोई फिर भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं मेंस की बात करने लगा हूँ। मेरा नंबर मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, मैं अभी बोल भी देता हूँ, मेरा नंबर है 9596662695, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। मैं रिपीट करता हूँ, 9596662695, ठीक है। या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन है यूट्यूब में, उसमें भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करूँगा,
ठीक है, या मेरे गांधीनगर जम्मू में आप इंस्टीट्यूट में विज़िट कर लीजिए, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ मॉर्निंग 10 to 6 PM, आप कभी भी मेरे को विज़िट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मेंस की। तो जनाब मेंस जो है, मेंस का ऐसा है कि मेंस इज़ अ टफ एग्ज़ाम फॉर, एज़ यू ऑल नो दैट इट्स अ टफ एग्ज़ाम, लेकिन हम उसको भी ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। दो तीन चीज़ें आपने मेंस के लिए याद रखनी है। सबसे पहले याद रखने वाली जो चीज़ है वो एक तो वही आ जाएगी कि कौन सी सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी सेक्शंस कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको मेंस का डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी सेक्शन ज़्यादा है और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है हैंड राइटिंग। तो मेन्स में हैंड राइटिंग बहुत रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसे होनी चाहिए कि बहुत सुंदर हो, लेकिन इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि अगले को, न्यू एग्जामिनर को समझ आना चाहिए हैंड राइटिंग का जो आपने लिखा है। ठीक है, आप जेल पेन यूज़ करिए, बाल पेन यूज़ करिए, पार्कर यूज़ करिए, जो मर्ज़ी पेन यूज़ करिए, चाहे इंक पेन यूज़ करिए, फाउंटेन पेन, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग समझ आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ज़्यादातर ये आती है बच्चों को कि समझ आने के चक्कर, अच्छी हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, टाइम कम होता है एग्ज़ाम में। तो आपको इसके लिए चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको स्पीड भी चाहिए और लेजिबिलिटी भी चाहिए हैंड राइटिंग की, दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए। स्पीड भी चाहिए आंसर लिखने की और लेजिबिलिटी भी चाहिए आंसर की। वो कैसे आएगी? वो आएगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब सारी करिए, रजिस्टर भर दीजिए, क्वेश्चंस देख के उसके आंसर्स लिखने के। देखो नॉलेज सबको होती है जो मेंस दे रहे हैं, लेकिन अनलेस अंटिल यू आर एबल टू पुट इट ऑन द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल इन द एग्जामिनेशन कंडीशंस, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट फॉर मेन्स। राइटिंग प्रैक्टिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन पास पास कैंडिडेट एंड अ फेल कैंडिडेट। ठीक है, सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। सेकेंड थिंग इज़ आपने जो है वो एग्ज़ाम में प्रेपरेशन के दौरान आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपने इसको ठीक है लाइटली तो नहीं लेना है, लेकिन इतना भी सीरियसली नहीं लेना है कि अगर मैं पास नहीं होता मैं मर जाऊंगा, ऐसी ऐसा नहीं सोचना है। आपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है कि ये आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ ना बन जाए। ठीक है, उसके लिए आपको कूल माइंड से प्रिपरेशन करनी है। आप चाहे दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, मैटर नहीं करता कि आप सुबह पढ़ रहे हो, दोपहर को या रात को, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राइट, उसके बाद मैंने पढ़ने तो है ही है, लेकिन उसको लिखना भी ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर आप पास ही नहीं हो सकते हैं। जितना मर्ज़ी पढ़ लीजिए, अगर आप लिखोगे ही एग्ज़ाम में जाकर तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज गेन करना भी ज़रूरी है, और कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पजल नहीं होना है, दिमाग को ठंडा रखना है, और दोस्तों से मिलते रहना है, पेरेंट्स से इंटरेक्शन भी करिए, दोस्तों से इंटरेक्शन भी करिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम में आपका रैंक बनता है, अपने फाइनल मेरिट में आप आते हो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप फाइनल मेरिट में नहीं आते हो, प्रीलिम्स सिर्फ एक पासिंग एग्ज़ाम है मेंस देने के लिए। ठीक है, लेकिन मेंस में आप डिपेंड करेगा, आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, या आपको कोई और सर्विस मिलेगी। ठीक है, इसलिए मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 99% आप IAS IPS क्या बनोगे वो मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड करता है इंटरव्यू पर, सिर्फ 1%, 1%। नेक्स्ट स्टेज की बात कर लेता हूँ मैं, इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपने क्या प्रिपेयर करना है? IAS के इंटरव्यू में ज़्यादातर वो करंट की चीज़ें पूछेंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूछेंगे, और आपका होम स्टेट का पूछेंगे, आपके नाम का पूछेंगे, आपकी रिलीजन का पूछेंगे, और जनरल इश्यूज जो हैपनिंग्स हो रही हैं, पॉलिटी वगैरह की, वो आपसे इकोनॉमी वगैरह की, वो सब पूछेंगे। तो और आपको यू हैव टू बी अब्रेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आगे रहने के लिए एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहना है एग्ज़ाम के अंदर, और इससे जो है वो आपका मेरिट जो है वो बनता है। ठीक है, तो आज हमने एक रिकैप ले लेते हैं। हमने डिस्कस क्या किया? डिस्कस हमने ये किया कि मेंस IAS का एग्ज़ाम इजी है। ठीक है, इजी कैसे बना? आपको आपने देखा कि प्रीलिम की जब आप तैयारी करोगे, ठीक है, आराम से तैयारी करोगे,
पजल नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, कौन सी सेक्शंस करोगे, कौन सी छोड़ोगे, स्ट्रेटजी से चलोगे, और आपका प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई होगा अच्छी सी मेहनत करोगे तो। मेंस में भी मैंने आपको सारा समझा दिया मेंस कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। हाँ, ये अभी छोटा वीडियो बन रहा है, कोई 15 मिनट का हो गया। मेरे बाकी के सारे वीडियोस के अंदर मैं अभी आपको, ये पहला वीडियो है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको सारे वीडियोस में बताऊंगा आगे आगे जो और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, जैसे मेंस में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, प्रीलिम्स में क्या आती हैं, उनका एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन ये ब्रॉडली मैंने बनाया है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, ठीक है। मेंस में आपको हैंड राइटिंग के ऊपर जोर देना है, ठीक है, आपको लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग के ऊपर जोर देना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। करंट से भी आपको वाकिफ़ रहना है, करंट से इनफेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ रहना है, न्यूज़ सुननी है, BBC वर्ल्ड सुनना है आपको, राज्यसभा लोकसभा TV सुनना है आपको, योजना मैगजीन चाहिए, कुरुक्षेत्र मैगजीन चाहिए, फ्रंट लाइन मैगजीन चाहिए, हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए आपको, पॉलिटी की बेसिक बुक लक्ष्मीकांत चाहिए, इकोनॉमी की रमेश सिंह चाहिए, राइट। तो आपको ज्योग्राफी की भी बेसिक NCERT बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने बता दिया इंटरव्यू का भी, तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई होगा। कोई ज़िंदगी में कोई ताकत आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकती, ठीक है। ये कह के मैं अपना यहाँ पे जो डिस्कशन है आपके साथ ये लोग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई और डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे YouTube के नीचे जाइए, नीचे जाके आपको कमेंट सेक्शन मिलेगी, वहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। या फिर मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 9596662695, रिपीट कर देता हूँ, 9596662695, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम है हमारे पल्स IAS अकेडमी जम्मू, मेरा नाम है जसदीप कामरा, ठीक है। थैंक्स गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।